अब हम डालेंगे इसमें गोंद। गोंद भी हमारा बहुत फ़ायदा करता है, गोंद भी हमारे कमर के दर्द में बहुत आराम फायदेमंद है, तो आप इसे भी ज़रूर डालें। ये भी हमारे कमर के दर्द को दूर करता है, इसे ज़रूर डालना भाई। इसको हल्का ब्राउन कर लेंगे, देखिए कितने अच्छे से ये फूल चुका है। देखिए अब इसमें मैं बादाम भी डाल दूंगी, इसको हम इसमें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसमें हल्का ब्राउन कलर कर लेंगे, इसका थोड़ा खसखस खस्तापन आ जाएगा इसमें। अब इसी में हम काजू डालेंगे, इसको भी हल्का ब्राउन कर लेंगे। इसमें हम किशमिश भी डालेंगे, इसको ज़्यादा नहीं करेंगे, इसको निकाल लेती हूँ मैं। अब हम इसमें मेंगे डाल लेते हैं, तो चलिए इसको भी हम अच्छे से भून लेते हैं, हल्का ब्राउन कलर कर लेते हैं इसका। तो चलिए मैं भी इसे निकाल लेती हूँ। अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच सौंठ, इसको भी हम 2-3 मिनट तक भून के इसको भी एक तरफ निकाल लेंगे। सौंठ का बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा इसमें, लड्डू में बहुत टेस्टी लगेंगे लड्डू। इसे ना ज़्यादा डालना है ना कम डालना है, सिर्फ हमने इतने में 2 ही चम्मच डाला है। तो देखिए हमारी सौंठ भून चुकी है और इसकी खुशबू आने लग गई है, मैं इसे निकाल लेती हूँ। तो चलिए मैं इसमें 2 गिलास पानी डाल देती हूँ। अब हम इसमें गुड़ डालेंगे, ये हमारा 1/2 किलो गुड़ है। तो चलिए इसे हम 10-15 मिनट खौला लेते हैं। तो चलिए अब हम इसे सबको बादाम, काजू, गोला और ये गोंद है जो मखाने, इन सबको हम पीस लेते हैं मिक्सी में एक साथ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और ये मींग और ये चिरौंजी, इसको हम नहीं पीसेंगे, इसको ऐसे ही साबुत डालेंगे। सौंठ भी हम ऊपर से डाल देंगे। तो देखिए मिक्सी में हमने सब पीस लिया ये, अब हम इसमें मींगे और किशमिश डालेंगे और इसी में हम सौंठ डाल देंगे। तो देखिए हमने सौंठ भी डाल दी इसमें, गुड़ हमारा अच्छे से पक जाए ताकि इसके साथ हम लड्डू बना सकें हम अच्छे से। अभी हमारा गुड़ अभी पतला है, थोड़ा गाढ़ा सा हो जाए फिर हम इसमें लौट के इसके लड्डू बनाएंगे। तो देखिए इसमें गाढ़ापन आ चुका है, ये देखिए। तो देखिए गुड़ हम इसमें डाल देते हैं, देखिए अच्छे से मिला लेते हैं सब। तो देखिए हमने इसमें गुड़ मिला लिया है, तो अब हम लड्डू बनाते हैं इसके।